अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है सबके? भाई अभी सो के उठाऊँ मैं, और जो है रात में भी, रात में तो नहीं, खैर मैं सुबह ही सोया हूँ कि वो वाली कुछ पुरानी वाली वीडियो जब डली है, तो सर दूसरी वीडियो जो मैं एडिट कर रहा था पूरी, वो डालने के लिए बैठा हूँ। दोस्तों मेरा टाइम लगा मुझे, नेट होटल का मिल गया था, फर्स्ट फ्लोर पर चल रहा था, लेकिन मसला ये मेरे रूम में नहीं, इधर इस रूम में नहीं चल रहा था, तो इस वजह से जो है बहुत लेट हो गया। ये भाई हमारा रूम था, सही गुजारे लायक था, अच्छा रूम था, मतलब नॉर्मल था, ये बाथरूम था, ये इसी बैल्कनी में खड़ा हुआ था। बारिश हुई है पूरी रात ही तकरीबन हुई है, ये मेरी गाड़ियाँ खड़ी नीचे में। शाम ने इस्लामाबाद यहाँ पिंडी बताया था ना भाई, मैंने रात में बताया था ना, रात में दूसरी वाली वीडियो में जो डल रही है अभी, उसमें बताया था। थर्ड फ्लोर पर रूम था भाई हमारा, और भाई कि भाई वाटरफॉल जा रहे हैं इंशाल्लाह, और वहाँ पर उससे होटल बुक करा दिया हमने, बात कर ली है, तो भाई इसके बाद हमेशा जाते हैं उसी के पास जा रहे हैं, तो उसको फ़ोन पे बुक करा दिया हमने। अभी जो है नाश्ता करना है, देखते हैं क्या करते हैं। ये होटल के सामने आगे पीछे ही गलियाँ हैं, यहाँ कोई पाए वाए वाला है वहाँ, वो खाने के लिए पाए और नान चने वगैरह। डीजल का ब्रेक है भाई ये, बस ये और पिंडी से निकल चुके हैं अब कि भाई जाएंगे अब कि भाई वाटरफॉल 200 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन पहाड़ वाला रास्ता है, 3-4 घंटे 4-5 घंटे लग ही जाएंगे। गर्मी हो रही है पिंडी में भाई, भाई पूरा आबशार चल रहा है इधर से, ऊपर से आ रहा है पूरा, पूरा आगे से हम लोग भाई अभी केवाई से तकरीबन जो है 1 घंटा दूर है, आधा पौना घंटा ही 1 घंटा दूर है। किलोमीटर्स तो बहुत कम है, 25-30 किलोमीटर बाकी होंगे, लेकिन जो है पहाड़ वाला रास्ता है ना, तो बिल्कुल स्पीड हल्की होती है, इस वजह से जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बाकी ये है कि भाई से पहले कोई वाटरफॉल आया था, अभी उधर ऐसी ज़रा रुके हैं सब। बालाकोट भी आने वाला है अभी बालाकोट आएगा ऊपर अभी।
देखो भाई गाड़ियां वगैरह धुल रही है, और तेरी फुल पानी उड़ाता हुआ गया भाई। ओए होए होए क्या ठंडा पानी आ रहा है भाई। ये देखो अंकल कैसे नहा रहे, ये आबशारों का पानी आ रहा है पूरा ऊपर। भाई के भाई, और ये जो ये है वो होटल जहाँ हमेशा आके रुकते हैं। टाइम क्या हो रहा है, ये तो गलत टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले हैं वैसे भी शायद। ये भाई वाटरफॉल चल रहा है यहाँ पर, ये नीचे से जा रहा है ये। मैं अभी वहाँ बहुत रश हो रहा है भाई, बाद में दिखाऊंगा जाके, थोड़ा रात बाद में देखेंगे, रश जब कम होगा ना फिर जाके दिखाऊंगा। क्योंकि अभी उधर बहुत लोग काफ़ी रश हुआ, वरना जब भी हम यहाँ पर 3-4 दफ़ा आ चुके हैं कि भाई अपना रश में, तभी देखो ना गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, हर जगह गाड़ियाँ गाड़ियाँ। ये अपनी खड़ी हुई गाड़ी, भाई मैंने सोचा आपको रात का व्यू भी दिखा दूँ कि भाई वाटरफॉल का, तो इसलिए फिर वहाँ जा रहा हूँ। ज़रा खाना वाना खा लिया, अभी बिरयानी खाई है और मटन नहीं, मटन नहीं और हांडी खाई, चिकन हांडी। ये होटल का जो है खाना बहुत अच्छा होता है, ये वाला होटल जो है ना इसका, हमेशा इसी पे रुकते हैं हम। इसकी बिरयानी बड़ी अच्छी होती है, आज थोड़ा मसाला कम रखा था इसने, वरना मसाला तेज होता है इसका, भूल गया शायद कराची वाले आए हुए। ये अपने होटल से बाय वॉक ही रास्ता है। अभी जो है रश कम हो गया है भाई, ख़त्म हो गया, बल्कि कम क्या ख़त्म हो गया है। और ठंड है यार इधर, रात में बहुत सर्दी है भाई, मतलब सर्दी अच्छी खासी है, ठंड लग रही है वहाँ होटल में भी, यही ठंडी हवा आ रही है तो ऐसा बिल्कुल हिल जाते हैं पूरे। हाफ फ्रीज में है अभी तो हम, ये देखो भाई क्या टाइट लग रहा है यार, ये पूरा ऊपर तक बना हुआ है ऐसी। इधर बैठ के खाना वाना नाश्ता सब हो जाता है इधर, आगे पीछे सब इधर बने हुए ढाबे रेस्टोरेंट टाइप। थोड़ा ऊपर चलते हैं लेके, प्रेशर सुन रहे हो पानी का प्रेशर क्या। चलो 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 थोड़ा चले, दर्शकों को दिखाना भी तो है फिर। बात तो सही है, थोड़े तेरी ये क्या आ रहा है भाई, ये तो हमने कुछ देख लिया, साइड तो देखो इसका, वहाँ जाना आप खतरनाक लग रहा है मुझे। अबे जवान इसको कहाँ बीच में ले आया तू, चल चल चल। अबे भाई अफगान कुची लग रहा है ये, क्या अफगान कुची नहीं बुली, फीमेल है ये बुली की, बहुत टाइट। मैं भी पालता हूँ भाई, लेकिन इसका डर लगता है, इसका साइज तो देखो, और हमें पहचानता भी नहीं है। और भाई प्रेशर देखो प्रेशर, नाम वाम है उसका कुछ, उसका नाम नाम जिमी नाम है। जिमी, अरे जिमी। मेरे पास भी था एक जिमी नाम था उसका, जिमी नाम अभी मैं पालता हूँ, मेरे पास घर पे भी है दो। ये बुली है क्या, अफगान कुछ ही है, देख क्रॉस है दोनों का, साइज बहुत बड़ा है, फीमेल है ना ये। जी ये फीमेल है।
चलो भाई आजा भाई आजा। टेम्परेचर मेरे ख्याल से इधर होगा 17-18 टेम्परेचर होगा, क्योंकि शाम में ही 22 हो गया था, 22-25। ये उन्होंने ऐसे बना के रखे होते हैं, इसके अंदर रखते हैं ट्राउट फिश। हर नाके पे हर गली में मिल जाएगी ट्राउट फिश यहाँ पर। अभी अंदर है, पता नहीं, नज़र नहीं आ रही है, इसमें है ही नहीं, वरना आगे ऐसी रखी हुई होती है सारी। अच्छा खासा हम ऊपर आ गए हैं, देखो भाई अब आए जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखो बिल्कुल सन्नाटा हो गया, उस टाइम पे इतना ज़्यादा रश था इधर, आने का दिल नहीं चाह रहा था। अभी सुबह के टाइम भी बहुत रश हो जाएगा इधर। वाह भाई वाह, ओए 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 ओए, बस काफी है यार। कुछ ये यहाँ से भी आ रहा है, बाकी तो ये ऊपर से आ रहा है। अबे ठीक है आ जा, गीले हो जाएंगे यहाँ पर पूरे, हाँ ना, गीले हो जाएंगे भाई। प्रेशर तो देखो पानी का, आ जाओ इधर, आए टार्जन इधर आ जाओ। यहाँ से जो है ना भाई, किवाई से ठंड शुरू हो गई है, मतलब रात में सर्दी है। हम अपर भी पहनेंगे ना तो ठीक रहेगा, अभी तो हम ये हाफ सीज में घूम रहे हैं, क्योंकि अभी निकाला नहीं बैग से कुछ भी, बैग में रखा हुआ है सब। अब आगे जब जहाँ जाएंगे ना वहाँ पर निकालना पड़ेगा, ये सर्दी होगी। चले भाई ये वाली वीडियो पर ही ख़त्म करेंगे भाई, चलेंगे आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ भाई, जिनको नहीं पता कि भाई वाटरफॉल किधर है, उनके लिए बता दूँ कि जो है भाई बालाकोट आप आएंगे ना, बालाकोट से आगे आएंगे ना भाई, जो लोकेशन डालेंगे तो बालाकोट और नारायण कागान के बीच में, कागान और बालाकोट के बीच में जो है आता है कि भाई वाटरफॉल, इससे तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे जो है कागान है, फिर उससे आगे नारायण। ओए गार्ड खड़ा है भाई, गार्ड सल्यूट मारो बेटा, सल्यूट। अरे अच्छी है ट्रेन, है फ्रेंडली है, इतना करीब से लेके गया वो, साइज तो देखो उसका।